गाइस आज हम चालू करेंगे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। बाकी दो वीडियो आपने जैसे देखे कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सबूत देखेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है कि नहीं करता है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले अपने वीडियो में जब हम लोगों ने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो उसमें हम लोगों ने खाली थ्योरी में बोल दिया था कि जो आपका मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है। लेकिन आज हम लोग कुछ ऐसे सबूत देखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, रियलिटी में जो आपका मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग दो छुटपुट हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो छुटपुट हेडिंग भी आपके बहुत काम की है, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, और जिसने पहले के जो बेसिक है वो नहीं समझे उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कहीं और से देखा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग अभी समझेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में और इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे साथ आप हेडिंग लगाएंगे, मतलब मेरे साथ हेडिंग लिखेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितनी अच्छे आपके नोट्स होंगे उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री होगी, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग लगाइए इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है? तो इस हेडिंग को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, समझेंगे? सबसे पहले जो हेडिंग है वही अपने आप को एक्सप्लेन कर देती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी हेडिंग है उस हेडिंग को देख के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलेगा, है ना? अभी आप लोग 8th से 9th में जंप मारे हैं, इसलिए इतना आपका दिमाग भले ना वर्क करे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने इस हेडिंग को देखा तो यहाँ पे आप एक वर्ड तो आपने सुना हुआ है, क्या? फोर्स वर्ड तो जो है आपने सुना हुआ है। फोर्स का मतलब होता है कोई भी काइंड का पुश या फिर पुल, मतलब कि कोई तुम्हें खींच रहा हो, तुम्हें धक्का दे रहा हो, मतलब कि वो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये डस्टर, तो मैं इसको धक्का दूं तभी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इसको खींचा तभी मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो मतलब कि यहाँ पे एक वर्ड से तो हम लोग फेमिलियर हैं कि फोर्स। अब हम लोग को समझना है इंटरमोलिकुलर का मतलब। तो यहाँ पे ये हेडिंग जो है यही अपने नाम के बारे में बता रही है, अपने काम के बारे में बता रही है। इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर मतलब होता है बीच में। अभी आप टेंशन मत लीजिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे और रटवा भी देंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल समझनी है, पहले समझ लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटर मतलब होता है बीच में, इंटर मतलब क्या होता है? बीच में। और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूल्स मैटर से देखी चीजें, ठीक है? फिलहाल के लिए आप ये मानिए। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए क्या बताया, हिंदी में लिख सकते हैं आप, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए दो मॉलिक्यूल हमने लिए, अब मान लीजिए ये हम और ये आप, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमें याद है। अब मान लीजिए हम दोनों के बीच में दोस्ती है, अब दोस्ती तो है ना, तो हम दोनों के बीच में अगर दोस्ती है तो हम लोग एक दूसरे को खींचेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे के पास आएंगे। अगर मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं तो वो दोनों दोस्त एक दूसरे के पास रहते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों में मतलब दोस्ती है कभी वो दूर दूर रह रहे हैं, है ना? अगर वो दोस्त हैं तो पास पास रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दुश्मन, आपके क्लास में अगर कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे का दुश्मन बन जाता है, अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के दूर जाते हैं, हो जाते नहीं रहते, कभी इन दोनों में झगड़ा होते दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, और अगर ये दोनों दोस्त हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेंगे, है ना? ऐसा है। तो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल हैं, क्या है? ये दोनों मॉलिक्यूल हैं। अगर इन दोनों के बीच में प्यार है, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है, इनका मतलब अच्छे दोस्त हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। खींचने का मतलब होता है पुल, खींचने का मतलब होता है पुल। अच्छा, यहाँ पे केमिस्ट्री में पुल को एक और नाम दे दिया गया, अट्रैक्ट। क्या नाम दे दिया गया? अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को खींचना। और यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब एक दोनों एक दूसरे को पुश करेंगे, क्या करेंगे? पुश करेंगे। और पुश को यहाँ पे नाम दिया गया रेपल। क्या नाम दिया गया? रेपल। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमने समझा कि कैसे मतलब काम करती है, दोनों एक दूसरे को खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं, मतलब एक दूसरे को पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रेपल भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो आप बढ़ते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है? किसी को इसमें से कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि इसी को लिख लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप इस हेडिंग को वापस से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खाली हेडिंग को देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, इंटर मतलब बीच में, और फोर्स मतलब एनी काइंड ऑफ पुश या फिर पुल। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब आपके दिमाग में तुरंत एक लाइन बैठ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है? तो उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, क्या देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, और ये देखते हैं क्या बताती है इसकी डेफिनेशन।
इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब इसी के नाम में इसी की डेफिनेशन बन जाएगी, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, लिखा जाएगी साथ में द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रही होती है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या बोल देते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब इंटरमोलिकुलर फोर्स दो टाइप की होती है, हमने देखा फोर्स क्या होती है, दो टाइप की होती है, या तो वो किसी को धक्का दे रहा होता है, कोई इंसान है, या फिर कोई मॉलिक्यूल है, मतलब कोई भी चीज है, कोई किसी को धक्का दे सकता है या फिर खींच सकता है, मतलब कि दो काइंड ऑफ फोर्स यहाँ पे वर्क कर रही है, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, हम लोगों ने समझा पुल मतलब अट्रैक्ट और पुश मतलब रिपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहां पर हमने सबसे पहले समझा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, फिर हमने समझा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इतनी बातें अगर आप लोग समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग को इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग ने समझा इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, हम लोग समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और टर्म इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छे से समझ में आ गया तो इंटरमोलिकुलर स्पेस में कोई अलग चीज नहीं है, इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, स्पेस मतलब जगह, स्पेस मतलब जगह, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो खाली जगह है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो लिखेंगे डेफिनेशन की, द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स is known as intermolecular force, sorry, intermolecular space, intermolecular space, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है उस जगह को हम लोग बोल देते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग की दो छुटपुट हेडिंग, लिख लिया था आपने, अब हम लोग आते हैं अपनी मेन हेडिंग पे जिसके लिए आप इस वीडियो में आए थे। अभी ये तो जो हेडिंग कराई है इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का बेसिक मजबूत करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, हेडिंग लगाएंगे एविडेंसेस फॉर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, तो कौन कौन से सबूत मिले कि जिससे हम लोगों को पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, मतलब कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, अभी समझाएंगे इन सभी प्रोसेस के बारे में, अभी फिलहाल लिख लेते हैं पहले डिफ्यूजन प्रोसेस है जिससे हम लोगों को पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। दूसरा हम लोगों को प्रोसेस जो हम लोग पहले नाम सुन चुके हैं लेकिन आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, याद करिए इसको मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ाए थे तो उसमें बताया था, लेकिन हमने उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, मैंने खाली आपको बताया था कि आगे इसको पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन क्या होता है इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। फिर आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यहाँ पे तीन हम लोग को सबूत मिले ऐसे जो हम लोग को बताते हैं कि हाँ जो मैटर है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। तो ये मेन हेडिंग है, इन हेडिंग को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये हेडिंग
आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती है। लिख के देख लीजिए, ये हेडिंग, ये हेडिंग और ये हेडिंग, ये एग्जाम में आपके है, रखी हुई है, ठीक है। तो इन हेडिंग को कतई भी इग्नोर नहीं करेंगे, और इजी इजी हेडिंग है, कोई टफ हेडिंग नहीं है इनमें से, तो इसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली हेडिंग समझते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। आइए समझते हैं, हेडिंग लगाइए डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ठीक है, पहले डिफ्यूजन का मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कंटेनर लिया, ठीक है, ये कंटेनर लिया, ठीक, और यहाँ पे आपने एक झिल्ली लगा दी, मान लीजिए, ठीक, झिल्ली लगा, ठीक, यहाँ पे आपने एक शरबत बनाया और डाल दिया, पूरे में डाल दिया, और यहाँ पे कोई दूसरा शरबत बनाया, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक शरबत बनाया और यहाँ पे कोई दूसरा शरबत बनाया और वो डाल दिया, ये दो शरबत लिया हमने, एक शरबत ये बनाया, एक शरबत ये बनाया, दोनों अलग अलग शरबत बनाए और दोनों एक पन्नी के थ्रू सेपरेट कर दिया, ठीक। हमने क्या किया, इस पन्नी में छेद कर दिया, छोटे छोटे छेद कर दिया। तो जब मैं छेद करूंगा तो ये दोनों जो आपके शरबत हैं ये दोनों आपस में मिलना चालू हो जाएंगे, क्यों, जब इस पन्नी में छेद नहीं था तो ये आराम से अलग अलग बैठे होते, लेकिन जब इस पन्नी में छेद हो गया तो ये दोनों आपस में मिलना चालू हो जाएंगे। अच्छा, मैं क्या इनको मिलाने में कोई वर्क कर रहा हूँ कि मैं खुद से मिला रहा हूँ क्या, नहीं, अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे। तो यही चीज कि कोई भी दो सॉल्यूशन या फिर कोई भी दो सब्सटेंस का अपने आप से आपस में मिलना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। इसके हेडिंग अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार फिर समझिए, ये दो अलग अलग टाइप के हम लोगों की चीजें हैं, ये एक शरबत था, ये एक दूसरा शरबत था, इन दोनों को हमने मिलाया, हमने नहीं मिलाया, सॉरी, ये दोनों अपने आप से मिले, ये दोनों अपने आप से मिलना चालू हो गए, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसमें चिल्ली में छेद कर दिए हैं तो ये दोनों अपने आप मिलना चालू हो जाएंगे। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये काम हो रहा है अपने आप से, कि ये दोनों अपने आप से मिल रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अच्छा, इससे हम लोग को क्या पता चला, इससे हम लोग को ये पता चला कि ये दोनों भी मैटर है भैया। मैं आपको क्या बताया था, इस दुनिया में हर एक चीज़ क्या है, मैटर, जिसके पास मास है, जो कोई भी छोटा से छोटी जगह ऑक्यूपाई करती है, तो यहाँ पे ये दोनों के पास भी मास है, क्योंकि दोनों शरबत है, इनका भी कोई वेट होगा, इनका होता है, तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग शरबत है। अब ये दोनों शरबत है, अगर ये दोनों मिक्स कर रहे हैं तो इनके अंदर के पार्टिकल आपस में मिक्स कर रहे होंगे ना, क्यों, एकदम अंदर में जाएं तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये कोई एक चीनी है, ये तो कोई एक दूसरी चीनी है, तो इन दोनों की चीनी आपस में मिक्स होंगी ना, इन दोनों के पार्टिकल जो होंगे वो आपस में मिक्स होंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल पार्टिकल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की हम लोग वो लिखते हैं डेफिनेशन, तो आइए डेफिनेशन ध्यान से लिखेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जाए। तो देखिए, लिखिए हमारे सर, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, क्या मिक्स हो रहे थे, पार्टिकल्स मिक्स हो रहे थे ना, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज नो ऑन देयर ओन, अच्छा अपने आप से मिक्स हो रहे थे ना, तो ऑन देयर ओन is known as diffusion. तो मैटर के काम क्या, मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप से ऑन देयर ओन अपने आप से इंटरमिक्स होना, इंटरमिक्स मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो अगर आपको डिफ्यूजन क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या बता रहा है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different type of matter on their own is known as diffusion. तो diffusion में एक बात आपको बताने की कि जब आपके जो शरबत जो उन्होंने लिए थे दोनों, तो वहाँ पे क्या था, एक मान लीजिए ज़्यादा चीनी घुली हुई थी, एक में मान लीजिए कम चीनी घुली हुई थी। आपको बता दें, यहाँ पे मैंने जो शरबत लिए थे, ये दो शरबत लिए थे, तो मान लीजिए एक में चीनी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब एक में हमने चीनी भर भर के डाली, भर भर के डाली है, तो चीनी यहाँ पे चीनी के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ठीक है, होंगे। और एक हमने लिया है जिसमें चीनी कम, चीनी का मतलब हमने ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डाली, ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डाली, मतलब चीनी ज़्यादा पार्टिकल इसमें नहीं होंगे। अब जब हमने इसमें छेद किया पन्नी में, तो क्या होगा, जो ज़्यादा वाले पार्टिकल है वो कम की तरफ आएंगे ना, ऐसा तो नहीं जो कम वाले हैं वो भी सारे इधर ज़्यादा वाले हैं, क्योंकि जो पानी वो मीठा रहेगा ही नहीं। अच्छा, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आपने एक कम मीठा पानी लिया, एक कम मीठा पानी वाला शरबत बनाया, आपने रॉबजा बनाया कम मीठा पानी का, मतलब उसमें चीनी अभी कम है,
फिर बाद में आप एक दूसरा शरबत बनाइए जिसमें आप चीनी बहुत ज़्यादा मिला लीजिए। ऐसे घर पर ट्राई कर सकते हैं कि आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप जो शरबत है बनाइए जिसमें चीनी कम हो, फिर उसके बाद एक दूसरा शरबत बनाइए ग्लास जिसमें चीनी ज़्यादा हो। फिर जब दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि चीनी जो है वो थोड़ी सी मिनिमम लेवल पर जाएगी, मतलब कि जो ज़्यादा चीनी है वो कम चीनी के वाले साथ मिक्स हो जाएगी। ऐसा तो है कि ये जो पानी है जो इसके पास चीनी है वो सारी चीनी इधर आ जाएगी और ये बिल्कुल पानी खाली सादा पानी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जो हायर कंसंट्रेशन पे यहाँ पे चीनी ज़्यादा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन मतलब मिलावट, चीनी की घुलनशीलता, चीनी का मिलना यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है हाई कंसंट्रेशन, क्या है हाई कंसंट्रेशन। चलिए थोड़ी पूरा लिख लेते हैं, फिलहाल आपको बता रहे खाली कि चीनी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे चीनी की मात्रा लो है, कम है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी चीनी, हाई से लो कि लो से हाई, ऑफकोर्स ये बात है हाई से लो, जिससे ये बैलेंस कर पाए दोनों जगह। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 पार्टिकल हैं चीनी के और यहाँ पे खाली दो ही हैं, तो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस करेंगे दूसरे को, कि यहाँ से भी उतने पार्टिकल उठ के इधर चले आएंगे जिससे दोनों जगह बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बात और बतानी थी कि जो ये डिफ्यूजन है ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, मतलब तीनों फेज में डिफ्यूजन होता है। कोई पूछे किस फेज में होता है डिफ्यूजन, तो आप बताएंगे तीनों फेज में, सॉलिड लिक्विड गैस इन तीनों फेज में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, एक नोट और लिखिए, 500 रुपये का नोट लिखिए, 500 रुपये वाला, कि जो हल्की गैस होती है लाइटर गैस वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती है, तो लाइटर गैस होती है वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती है इन कंपेरिजन टू हायर गैस, लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर, देन द हैवियर गैस, मतलब जो हल्की गैस होगी वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी इन कंपैरिजन टू हैवियर गैस, ठीक है भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।